दोस्तों आप देख सकते हैं ये किचन लाइट है, इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर दी है। तो एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा इसका बैकअप क्या है, जब तक तो ये सबसे तेज लाइट जलती है उसमें इसका बैकअप क्या है। ठीक है, तो इसको हम चार्ज कर लेते हैं, पहले देखते हैं कितना टाइम में चार्ज होता है और उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे इसका बैकअप कितना है, यानी कि जब सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इसकी जो लाइट है उस पर ये कितना टाइम ये चलता है। ठीक है, यानी कितना बैकअप देता है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसमें लाइटर भी आपको है, मैग्नेट है, टाइप सी चार्जिंग है और इसमें 6 मोड है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लाइट आपको दिखा देते हैं, एक स्लो हो गया, दूसरा भी वार्म हो गया, स्लो हो गया, रेड हो गया, फिर तो ब्लिंक करता है। 6 मोड इसके हैं। ठीक है, इसको हम चार्ज में लगाते हैं, तो इसके चार्जर हमारा लगा हुआ है वहाँ पर और इसकी हमारी केबल है और इसको हम चार्जिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे जब देखते हैं टाइप सी इसके चार्जिंग पॉइंट है, इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर पीछे साइड में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी ये एक पर है, दूसरा ब्लिंक हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पर ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं फुल चार्ज में कितना ये दिखाता है। ठीक है, और कितना टाइम लेता है, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इसको जला करके इसका बैकअप कितना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं इसे बहुत बेहतरीन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में को मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मिलता है बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आप जाकर के इसे ले सकते हैं। लुक वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइटर भी मिल जाता है, ये देख सकते हैं पीछे साइड में लाइटर, ये हमने चार्जिंग को लगा दिया है, अब ये फिर से चार्ज होगा, फिर देखते हैं इसका बैकअप क्या है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रखा हुआ है, चार्जर हमारा लगा हुआ है और देख सकते हैं अभी ये तीसरा पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है और चार्जर थोड़ा फास्ट चार्जिंग है। ठीक है, टाइप सी, तो ये चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं कुछ इस तरह चार्ज ही होता है। ठीक है, अब इसको चार्ज होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं जब ये फुल हो जाएगा फिर इसका बैकअप हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आने पर, और लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको हमने चार्ज कर लिया है, अब हम चेक करते हैं इसको ऑन करके जला करके कि इसका बैकअप कितना है, जो सबसे ब्राइटेस्ट है वहाँ पर इसको ऑन करते हैं, यानी उस लेवल पर इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने आपको दिखाया था इसमें 6 मोड है, तो जो पहला मोड है ये सबसे ज़्यादा तेज जलता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर उसके बाद जो वार्म वाइट है वो तेज जलता है, फिर स्लो हो जाता है। ठीक है, फिर रेड लाइट है, फिर ये ब्लिंक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पर जो पॉइंट है उस पर भी हम चेक कर सकते हैं जो ब्राइटेस्ट है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है जिसमें वार्म वाइट जो तेज जलता है वहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर रेड वाले पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर पहला पॉइंट पकड़ते हैं, तो पहला पॉइंट पकड़ते हैं तो ये सबसे ब्राइटेस्ट है, देख सकते हैं, दूसरा स्लो हो गया, फिर ये वार्म वाइट हो गया, ये है स्लो हो गया और ये रेड है। तो रेड जो है ना वो थोड़ी सी कम है, तो हम सबसे हाईएस्ट लेवल पर करते हैं जो कि पहला जो फुल साइज में है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जला करके रखते हैं और आपको दिखाते हैं यानी कि कितना टाइम इसका बैकअप है अगर ये हाईएस्ट इस पर जलता है तब। ठीक है, तो इसका इंडिकेटर आप देख सकते हैं पीछे साइड में, चारों इंडिकेट कर रहे हैं यानी बैटरी कितनी है, और ये चारों इंडिकेटर अगर बंद हो गए तो मतलब बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और अगर आप हैवी यूज़ करते हैं इसका लाइटर का तो और जल्दी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेक करते हैं कितना टाइम ये जलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हमने दीवार पर लटका दिया है और इसको हम ऑन कर दिया है रिकॉर्डिंग इसकी, देखिए कितने टाइम ये जो चारों पॉइंट है कितने टाइम ये बंद होते हैं, मतलब बंद होने पर बैटरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक एक पॉइंट खत्म हुआ है, आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है यहाँ पर, ये 3 पॉइंट बचे हुए हैं, यानी कि और लगभग हो गए 1.5 घंटे, जी हाँ तो 1.5 घंटे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये ब्राइटनेस पे लगा हुआ है, सबसे तेज जलता हुआ है, और इसको हमने 3 बार लाइटर भी इसका यूज किया है, 3 बार अभी यूज किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा लाइटर में ही इसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई है, लाइट से तो उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप लाइटर का ज्यादा यूज करेंगे तो बैटरी इसकी ज्यादा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 से 9 घंटे इसका बैकअप आपको आसानी से मिल जाएगा, और भी ज़्यादा चल सकता है अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और अब इसे हम लगातार कब से चलाए हुए हैं, तो इस हिसाब से ये जिस हिसाब से इसकी एक बैटरी खत्म हुई उसके हिसाब से, तो
तो जिस हिसाब से ये खत्म हुआ है 1.5 घंटे में एक पॉइंट, तो उस हिसाब से 6 घंटे इसको जलना चाहिए। अगर हम लाइटर को नहीं यूज करते हैं तो ये 8 घंटे से भी ज्यादा यूज हो सकता है, यानी कि एनर्जी दे सकता है, ये लाइट जल सकती है 8 घंटे से ज्यादा। ठीक है,